एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम लेकर आए हैं छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस जिसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे किस तरह से हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है। बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस होने वाले हैं आज के। अगर आप इंग्लिश के बिगनर्स हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल भी आपको इंग्लिश नहीं आती है फिर भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये सारे सेंटेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो कि बेसिक सेंटेंस है, अगर आप इन्हें नहीं सीखेंगे तो आप इंग्लिश स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश सीखना अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इन सेंटेंसेस को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, इन्हें हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं अभी आ रहा हूँ। तो अगर हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, मैं अभी आ रहा हूँ, इसकी इंग्लिश बनानी है, तो अभी आ रहा हूँ इसकी इंग्लिश हो जाएगी, अभी की इंग्लिश होगी जस्ट, और आ रहा हूँ की इंग्लिश होगी कमिंग, तो हो जाएगा जस्ट कमिंग। अब यहाँ पर मैं की इंग्लिश नहीं लिखी गई, फिर भी ये पूरा सेंस दे रहा है। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं आई जस्ट कमिंग, लेकिन हम सिर्फ जस्ट कमिंग भी लिखेंगे तब भी हमारा सेंटेंस सही होगा। तो चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो बहुत की इंग्लिश होती है वेरी, और अच्छा की इंग्लिश होती है वेल, तो हम लिखेंगे वेरी वेल, वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा, वेरी वेल बहुत ही अच्छा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तीसरा हमारा सेंटेंस है, अच्छी बात है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वेरी गुड, वेरी मतलब बहुत और गुड मतलब अच्छा, मतलब वेरी गुड बहुत ही अच्छा, या हम लिख सकते हैं इट्स फाइन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेरी गुड, या तो हम लिख सकते हैं इट्स फाइन, इन दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं, वेरी गुड या इट्स फाइन। उसके बाद हमारा चार नंबर सेंटेंस है, जैसी आपकी मर्जी। ये जितने भी सारे सेंटेंस हैं ये डेली यूजेस सेंटेंस भी कहलाते हैं, ये डेली यूज में भी हमारी सारे सेंटेंसेस हमारे डेली यूज में भी यूज होते हैं, तो इन सेंटेंसेस को सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं सीखने के लिए, इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं, तो ये सारे सेंटेंस हमारे बेसिक सेंटेंस हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर हमें इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो जैसी आपकी मर्ज़ी, तो यहाँ पर होता है एस मतलब होता है जैसा, आपकी, आपकी इंग्लिश होती है यू, और लाइक मतलब होता है कि जैसा आप चाहें या जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एज यू लाइक, एज यू लाइक, जैसा आप चाहें या जैसी आपकी मर्जी, या फिर आप लिख सकते हैं एज यू प्लीज, एज यू प्लीज जैसा आप चाहें, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नंबर फाइव नंबर सेंटेंस है, और कुछ, और कुछ, तो
जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या और कुछ, तो इसके लिए हो जाएगा एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, और कुछ। उसके बाद है बस रहने दो, सिक्स नंबर सेंटेंस है बस रहने दो। तो इसको अगर हमें ट्रांसलेट करना है बस रहने दो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी बस रहने दो, दैट्स इनफ। इनफ मतलब होता है पर्याप्त या अधिक मात्रा में, जितना हमें ज़रूरत है उतना हो जाने हो गया है, तो बस रहने दो मतलब कि दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, बस रहने दो, दैट्स इनफ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा इस सम्मान के लिए धन्यवाद, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। तो हम इसको मिटाएंगे और हम आगे बढ़ाएंगे सेंटेंसेस को। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सेवन नंबर सेंटेंस है इस सम्मान के लिए धन्यवाद। अगर हमारा सेंटेंस है इस सम्मान के लिए धन्यवाद, इस सम्मान के लिए धन्यवाद, तो हो जाएगा थैंक्स फॉर दिस ऑनर। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद और फॉर मतलब होता है के लिए, दिस मतलब होता है इस और ऑनर मतलब होता है सम्मान। तो इस सम्मान के लिए धन्यवाद हो जाएगा थैंक्स फॉर ऑनर, थैंक्स फॉर ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। उसके बाद हमारा एट नंबर सेंटेंस है थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, तो थोड़ा सा भी नहीं हो जाएगा नॉट ए बिट, नॉट ए बिट, नॉट ए बिट, थोड़ा सा भी नहीं। उसके बाद नाइन नंबर हमारा सेंटेंस है कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, तो इसका हो जाएगा सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, टुमारो मतलब होता है आने वाला, कल मतलब कल मिलेंगे, तो हो जाएगा सी यू टुमारो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर टेन नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, तो नहीं कभी नहीं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। तो नो मतलब हो जाएगा नहीं और कभी नहीं की इंग्लिश हो जाएगी नो मतलब हो जाएगा नहीं और कभी नहीं की इंग्लिश हो जाएगी नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल, नहीं कभी नहीं। तो ये 10 सेंटेंस हमने आज किए हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के, जो बहुत ही यूजेस सेंटेंसेस है डेली यूज में, सेंटेंस ये सारे यूज होते हैं। तो आपको ये सारे सेंटेंस कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे ही वीडियो यहाँ पर डाली जाएगी आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख सकेंगे सबसे पहले।